नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। आज हम बात करने वाले हैं अब स्टॉक्स में स्टॉक बाय और सेल कैसे करना। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अब स्टॉक के एप्लीकेशंस पे, जहां से हमको बाय और सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना रहता है। तो यहाँ पे अब स्टॉक्स को आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट सिलेक्ट करनी होती है, जो भी वॉच लिस्ट में आप स्टॉक बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये वॉचलिस्ट बैंक के रिलेटेड से सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे सारे बैंक के स्टॉक्स आपको आ जाएंगे। वॉचलिस्ट में आप आपके हिसाब से आपकी जो भी पसंदीदा स्टॉक है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वहां से आपको बाय सेल में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग अभी बाय करने वाले हैं बंधन बैंक का। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि बंधन बैंक का स्टॉक कैसे बाय किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये बंधन बैंक के स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे बाय का बटन और सेल का बटन मिल जाएगा। हमें बाय करना है तो हम बाय के ऊपर यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां से हमको हमारी ऑर्डर प्लेस करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, प्राइस और ये ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, वैलिडिटी और डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। अगर आप इंट्राडे के लिए स्टॉक कोई बाय कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे और प्रोडक्ट में इंट्राडे सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई डिलीवरी के लिए स्टॉक बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम लोग इंट्राडे में सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम आपको दिखा रहे हैं तो हम तुरंत लेके यहाँ पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे। इंट्राडे सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होती है दोस्तों। जितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं आप वहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एक क्वांटिटी के ऊपर आपको बाय करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी होती है दोस्तों, कि आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर आपको एक क्वांटिटी लेनी है तो आप एक डालिए, आपको 10 क्वांटिटी लेनी है तो 10 डालिए, आपको 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो आप 100 क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके हिसाब से है, आप यहाँ पे कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एक क्वांटिटी से आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। ऑर्डर टाइप में आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाएंगे, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। फिलहाल हम लोग लिमिट मार्केट सिलेक्ट करेंगे। लिमिट मार्केट क्या होता है दोस्तों, कि आपकी प्राइस के हिसाब से आपको बाय करना रहता है। जैसे ही आपकी प्राइस आएगी आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर रहता है कि मार्केट के हिसाब से, जैसे ही मार्केट प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपका स्टॉक बाय हो जाता है। स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमें ये दो मार्केट ऑर्डर पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब फिलहाल हमने लिमिट सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं मेरे प्राइस पे ये स्टॉक बाय करना चाहता हूँ। तो मुझे बाय करना है ये 316 में, इसलिए मैंने यहाँ पे 316 ये प्राइस डाल दी है। उसके बाद ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, वैलिडिटी और डिस्क्लोज क्वांटिटी, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे है वैसे ही रहने देना है इनको। उसके बाद हमें रिव्यू ऑर्डर पे टाइप करना है। जैसे ही हम रिव्यू ऑर्डर पे टाइप करेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप आपकी ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी आपने बाय की है ये कंफर्म करेंगे आप, ऑर्डर टाइप कंफर्म करेंगे, वैलिडिटी कंफर्म हो जाएगी, पोजीशन आपकी इंट्राडे है या डिलीवरी है यहाँ पे आप एक बार फिर से कंफर्म कर सकते हैं, और प्राइस कितनी आपने यहाँ पे डाली है ये भी आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी आपको तुरंत ये बाय पे क्लिक करना है। आप अगर बाय पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका ऑर्डर है वो ये ऑर्डर बुक में आ जाएगा। ऑर्डर बुक में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये है ऑल, ये है ओपन और ये क्लोज्ड। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मैंने प्राइस यहाँ पे प्लेस की है 316, तो अभी प्राइस मेरी आई नहीं है, इसकी वजह से ये ओपन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ये प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये क्लोज में दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे ऑल में और ओपन में, दोनों जगह पे ये ऑर्डर अभी ओपन दिखाई दे रही है क्योंकि ओपन है ऑर्डर, इसकी वजह से। ये देखिए ओपन में भी ये ऑर्डर अभी ओपन है क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं है, मेरी प्राइस अभी तक आई नहीं है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे,
कि जब तक हमारी प्राइस आती है तब तक वो स्टॉक बाय नहीं होगा, जैसे ही हमारी प्राइस आएगी तब तक वो प्राइस बाय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ऑर्डर कंप्लीट हो गई है। मैंने थोड़े ज्यादा प्राइस पे यहाँ पे प्राइस बाय कर लिया है इसको, क्योंकि हमको आपको दिखाना है कि डेमो कंप्लीट ऑर्डर कैसे होती है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ऑर्डर ये क्लोज में आ जाएगी। जैसे ही हमने ये क्लोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि ये कंप्लीट हो गई है और ये मेरा अब स्टॉक बाय हो गया है। ये होता है बाय करने का तरीका। और अब हम देखेंगे कि इस स्टॉक को सेल कैसे करना है। जैसे ही ये स्टॉक बाय हो जाएगा तो ये आपको इस पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। पोर्टफोलियो के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पोर्टफोलियो ओपन करेंगे यहाँ पे आपको एक पोजीशन दिखाई देगा, एक होल्डिंग दिखाई देगा। पोजीशन दोस्तों क्या होता है कि जिस दिन आप स्टॉक खरीदते हैं और उसी दिन बेचते हैं तो वो पोजीशंस में आता है, और दूसरे दिन अगर आप होल्ड करते हैं तो वो होल्डिंग्स में दिखाई देता है। तो फिलहाल ये पोजीशंस में है क्योंकि मैंने अभी खरीदा है और मैं आज ये बेचना चाहूं तो यहीं से बेच सकता हूं। तो अभी हम सेल की पोजीशन कैसे बनाना है या सेल ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है ये यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने ये स्टॉक बाय किया है, ये जो बंधन बैंक के बाय है, ये मेरा बाय दिखाई दे रहा है, ये मेरा प्रॉफिट अभी छोटा सा प्रॉफिट है क्योंकि एक ही स्टॉक बाय किया है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये हम यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेल कैसे एग्जीक्यूट करना है। हमें क्या करना है, जैसे ये बंधन बैंक का स्टॉक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस छोटा सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एड मोर का एक बटन है और स्क्वेयर ऑफ का बटन है। अगर इस पोजीशन में आप और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर कर सकते हैं। ऐड मोर करने के बाद आप और पोजीशन ऐड हो जाएंगी, और स्टॉक आपके बाय हो जाएंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको स्क्वेयर ऑफ पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे अभी स्क्वेयर ऑफ पे क्लिक करेंगे। स्क्वेयर ऑफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से जो बाय ऑर्डर के लिए इंटरफेस ओपन हो गया था वही ऑर्डर अभी सेल ऑर्डर में ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है इंट्राडे, क्योंकि जो पहले आपने बाय ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था वही आपको कंटिन्यू करना है सेल के लिए, क्योंकि आपका होल्डिंग वाला स्टॉक बेच रहे हैं या फिर जो भी आपने स्टॉक अभी लिया है वो स्टॉक आप बेच रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट आपने तब सिलेक्ट किया था वही प्रोडक्ट आपको अभी सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्राडे किया था तो मैं अभी इंट्राडे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने डिलीवरी किया होगा तो आप डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय की है और आपको 10 क्वांटिटी सेल करनी है तो आप 10 क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने 20 क्वांटिटी ली है और आपको उसमें से 10 ही क्वांटिटी बेचनी है तो आप वहां पे उतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एक है तो एक ही डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। ऑर्डर टाइप आपको जैसे मैंने बताया कि लिमिट और मार्केट के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिमिट में आप आपकी प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं और मार्केट में जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर बेच सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे और मुझे बेचना है ये 316.95 में। मैं अगर ये डाल दूंगा तो यहाँ पे मेरी प्राइस सेट हो गई है, यहाँ पे प्राइस आ गई है मेरी। तो अब बाकी सारी चीजें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल रखना है, ये डे रखना है और ये डिस्क्लोज क्वांटिटी भी जीरो रखना है। तो ये सिलेक्ट करने के अभी मार्केट प्राइस बढ़ गई है तो मैंने मार्केट प्राइस बढ़ा दी है यहाँ पे। और उसके बाद आपको रिव्यू पे जाना है। रिव्यू आपका अगर सिलेक्ट करोगे तो आपकी ऑर्डर रिव्यू में जाएगी। रिव्यू में आपको कंफर्म करना है कि आपने कौन सी क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी डाली है, आपने प्राइस क्या डाली है, ऑर्डर टाइप कौन सा सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको ये सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से ये ऑर्डर आपकी ऑर्डर बुक में आ जाएगी, और जैसे मैंने प्राइस डाली थी और मेरे जैसी एग्जीक्यूट हो गई है तो ऑर्डर कंप्लीट भी दिखाई दे रहा है। जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्लोज में आ जाएगी। तो ये मेरी बाय की ऑर्डर थी और ये सेल की ऑर्डर थी। तो ये मेरा स्टॉक बाय हो गया है और सेल हो गया है, और ये पोर्टफोलियो में मुझे इतना जो भी है ये छोटा सा प्रॉफिट या फिर लॉस यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जीरो हो गई, मतलब आपका स्टॉक सेल हो गया है। तो ये था दोस्तों वीडियो स्टॉक बाय और सेल कैसे करते हैं अब स्टॉक्स में। वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।